पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ याचिका पर बहस कर रहे वकील को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, जरा भी उल्टी सीधी बहस की तो जेल भेज दूंगा, सारी वकालत खत्म हो जाएगी। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जीएस उद्दे और जज के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। नोकझोंक के बाद जज ने याचिका को खारिज कर दिया। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। यू टॉक, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। हाँ बताइए। आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल, शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड, मैं नहीं, बता रहा बस आपको, आप कंटेंट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये, मैं जो पहले आर्गुमेंट मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने हम नहीं ना। सुनेंगे आपका आर्ग्यूमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं, 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 नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। ऑथराइज किया है आपको ये फाइल, पिटीशन फाइल करने के लिए। हाँ ऑथराइजेशन, पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तहजीब से बात करना सीखो, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए। सर्वे ये आदिवासी, बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर, आदि समाज, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम इसमें लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। नहीं, तुम नहीं नहीं ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ, यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका जीएस उदय, जी? कितने जीएस उदय, साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08, हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। सर हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है। एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। दे शुड नो हाउ टू आर्ग्यू बिफोर हाई कोर्ट।